स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर, और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो सभी को, और सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो दोस्तों अभी हूँ मैं अपने यहाँ पे बीड के नियर बाई, यहाँ पे है गोलुआ गांव, तो उसमें उस जगह का नाम है गलू के नियर बाई हूँ उस टाइम पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। मेरा प्लान वैसे उस जगह पहुंचने का है, तो वहां से मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉपर 360 व्यू। और ये है मंडी कंस्टिट्यूंसी, और दूसरी तरफ थोड़ा सा मंडी और कांगड़ा दोनों आएगा, और सामने दूसरी तरफ जो है वो जो थोड़ा फोगी सा दिख रहा है आपको, वो है आपका कांगड़ा, बोले तो चौबीन और बैजनाथ वाला एरिया। ये ट्रेल्स लोगों ने मतलब घास काटने के लिए जगह है वैसे ये, और बहुत ही खूबसूरत है यार। और दूसरी तरफ से आपको दिखेगी जो भीड़ वाला एरिया है। सो ये कैक्टस के पेड़, और ये रहे बेर। सो दोस्तों देख सकते हो कि लोग अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं लकड़ी वगैरह और घास, और मेरे को पहुंचना है थोड़ा सा ऊपर। सो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने एक दिल के करीब बहुत जगह है मेरे, और उस जगह पे ओए होए काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आया। मोस्टली कभी कभार यहाँ पे जैसे कि मन उदास हो जाता था, या फिर कुछ चारों तरफ शांति का सुकून चाहिए होता था मुझे, तो भाई ये जगह मेरी दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और आज मैंने थोड़ा ड्रेस कोड मेरा थोड़ा डिफरेंट है, और चलने में बड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि शूज़ वगैरह भी मैंने अलग तरह के डाले हुए हैं आज, और चढ़ते ही जाएंगे हम। तो ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये है कैक्टस का पौधा, और इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही कैक्टस हैं भाई साहब। वही नज़ारे चाहे आज से 10 साल पहले आए जाए 15 साल पहले, लेकिन आज लगभग इस जगह पे पहुंचे हुए 3-4 साल हो गए मुझे, तो थोड़ी झाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं जिसे बोलते हैं फुल्लू, और अब दिखेगा मंगाड़ एरिया, मंगाड़ त्रामट बीड़ चौंतड़ा हर चीज दिखाई देगी। और उस तरफ है गोड़ुआ जहां पे है यहाँ के MLA प्रकाश राणा जी का घर। चलो भाई चलो ऊपर चढ़ो। ओए 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 ये भाई नज़ारे न्यू ईयर के। तो मैंने सोचा यार इस साल का ये 31 दिसंबर है और लास्ट दिन है, तो क्यों ना इसमें थोड़ा कुछ अलग बनाया जाए और सिंपल सा दिखाया जाए आपको। ये है खजूर का पेड़ भाई, खजूर का पेड़। हो और गढ़ माता भी यहां से दिखाई दे रही है, जय माता दी। और ये जोंगसर मोनेस्ट्री चौंतड़ा की, और ये सामने सिकंदरधार, वैसे मोस्टली सारी सिकंदरधार है ये। खड्डा भी है, तो वहां से पहुंचा मैं रोड से पैदल लगभग है यहां से 600-700 मीटर का ये ट्रैक है, छोटा सा, लेकिन नज़ारे उतने ही खूबसूरत हैं इस जगह से भाई। ये थी भाई मेरी जगह बैठने की, ये सबसे बढ़िया, और थोड़े फोगी से हैं सारी धौलाधार रेंज दो वो दिखाई देती है, रानी की चादर सामने, और ये भाई साहब नीचे
एरिया हो गया, उस जगह का नाम है ठंबा, ठंबा गांव, और सामने रोपड़ी। सो दोस्तों, मोस्टली मैं इस जगह पे बैठा करता था, आज से लगभग 12-14 साल तो हो ही गए, 15 पकड़ के चलो, ये भी गया साल, 31 दिसंबर है आज 2021 का, तो इतने साल हो गए। और मैं 3-4 साल बाद आया यहाँ पे, 3 या 4 पता नहीं, इतना ही आया, काफ़ी टाइम हो गया इस जगह पे। और ये जगह बहुत खूबसूरत है यार। वैसे तो सभी को पता है कि हमारा हिमाचल ही कितना खूबसूरत है, लेकिन इस जगह की अपनी फैसिलिटी ये है कि यहाँ से भी आपको 360 व्यू मिलता है, और कोई सीधा सा रास्ता नहीं आने का, थोड़ी सी हाइकिंग है, क्लाइम करके ही आना पड़ेगा आपको। और ये नज़ारे भाई कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको हिमाचल में। तो दोस्तों, आज का जो ये ब्लॉग है रात तक चलता रहेगा, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और रात को आपको पता न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होगा, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे ब्लॉग को। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने भूल गया यार, यहाँ पे हमारे हनुमान जी की प्रतिमा भी है साथ में, मूर्ति बोल सकते हो कि पत्थर से बनाई हुई है ये फिलहाल रिसेंटली बनाई गई है, क्योंकि पहले भी थी शायद, ये मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, थी होगी, डोंट नो, छोटी सी होगी, अब रखती होगी बड़ी।